हेलो। हेलो। कैसे, क्या हाल चाल है धनंजय? ठीक है आपके बताइए। अरे ठीक है। कहाँ होते हो धनंजय यार? आजकल कभी फोन नहीं किया कभी। यार, फोन तो क्या करना था, इधर लगा रखा है। ये पंजाब में है अब पंजाब में कब आए आप? तो। आप तो एसएसबी में हो ना? अरे यार, SSB TSB सब ठोक रखा है इन्होंने, क्यों, क्या पता नहीं हुआ? कश्मीर बना दिया है पंजाब को भी। अरे नहीं, काफी काफी कश्मीर बना दिया है। टेंस है वहां पे सिचुएशन। टेंस तो नहीं है, इन लोगों ने बना रखा है, ये सरकार ने और कुछ वहां की जो लोकल है, ये पंजाब पुलिस, इन्होंने खुद मिलके बना रखा है। नॉर्मल है सारी स्थिति। वो क्या, वो अमृतपाल, वो उसका क्या फंडा क्या है उसका? वो काफी आजकल बड़ा फेमस हो रखा है। वो इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उसका काफी नाम हो रखा है, और काफी काफी मतलब कह लो वो अखबारों में, और वो चल रहा है। अरे हमें तो वो पता नहीं लग रहा। आप है बताओ यार, तो क्या क्या है? इनका है कोई, हमें तो अब पता चला है, यहाँ के जो वो लोग हैं वो बताते हैं भी अच्छा है, आदमी धर्म का प्रचार करता है, इनके जो सरदारों का धर्म है सिखों अच्छा, का प्रचार करता है, कोई नशे नशा तो है ही है पंजाब में, नशा छुड़वाता है ऐसे ओके। करके है। यानी लोग तो बताते हैं अच्छा आदमी है, लड़का है नया अच्छा है, तो क्या है उसका, और ये बागबू क्या, या अपनी कैसे है वो आ रहा है अभी? वो पाकिस्तान भाग गया, और कभी कहते हैं वो कैसे, क्या क्या असलियत क्या है यार, उसकी रियलिटी क्या है? अरे कहाँ भाग गया यार, इतनी आप बताइए यार, आप भी तो फोर्स में ही हो, आप इतने आदमी लगा के कोई भाग सकता है क्या? सरकार नहीं बाबू, वो तो नहीं है, लेकिन जो सरकार कहती है वो तो फिर मानना ही पड़ता ना। वो मीडिया भी तो कहता एक है, वो मीडिया भी कहता है अभी। वहां बैठा है दिल्ली वाला मीडिया है गोदी, और एक या पंजाब का भी कोई मीडिया साला, वो भी तलाल ही लगा मेरे को तो कुछ। अब लोग तो बताते हैं सही आदमी है, सच्चा है, बढ़िया काम करता है हमारे लिए। यहाँ मेरे को कई मिले हैं यंग लड़के हैं वो सरदारों के, हाँ नो, उससे असला असला उसमें काफी मिले हैं क्या, हथियार वगैरह? हथियार तो वो जैसे हम अब है ना पंजाब पुलिस के साथ लगा रखा है, तो वो बताते हैं लड़के पुलिस वाले। अरे अच्छा, आपकी कहाँ है अभी यार करंट में पोस्टिंग, कहाँ है अभी आपकी, मतलब आपकी वो एक ड्यूटी कहाँ है? मिनट रुकिए यार, अभी मैं 1 मिनट रुकिए, होल्ड रखिए। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ भाई, हाँ भाई, आवाज आ रही है धनंजय? अच्छा, हाँ आ रही है यार। अरे तो क्या वो अभी उसका लड़के क्या? तो पंजाब पुलिस वाले तो कहते हैं जो इसका वो है हथियार वगैरह है वो तो लाइसेंस ही है, अच्छा, लाइसेंस मिला हुआ है उनको। नो नहीं, वो तो ठीक है यार। अब इसका करेंगे क्या, यदि मान लो नहीं है तो उसके इसकी अभी गिरफ्त में होगा, इसकी पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है, तो क्या करेंगे क्या उसका अभी एंड ऑफ द है डे? तो यार वो क्या बताएं, इनके पास ही लगता है, आप सोचिए भी इतना आदमी लगा के भी अगर वो नहीं पकड़ में आ रहा तो साला सरकार तो फेल है ना फिर, और सरकार तो फेल कहाँ है, इनके पास ही होगा। नहीं, अब करेंगे क्या इसका, बात तो ये है। अरे यार वो क्या बताएं, जैसे यहाँ वो यहाँ के लोग आते हैं, जैसे कई बार वो खाना वाना दे देते हैं, चाय भी पिला देते हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो हमारे से पूछते हैं कि उसका वो इनकम तो नहीं देंगे, इनकाउंटर तो नहीं कर देंगे। तो वो एक बाबा जी हैं, वो शायद ये गुरुद्वारे में हैं गांव में, जो अच्छा, होता ना इनका वो जैसा अपना पुजारी होता है, हाँ, वो उसको बोलते हैं क्या, उसको बाबा वो कुछ बोलते होंगे तो जी कह लो आप उसको। बाबा जी हैं, वो बता रहे थे कि वो तो ऐसा कह रहे कि इनके पास ही है, तो ये अच्छा, क्या करेंगे भी। अब वो कोई अच्छा काम हो, जैसे अपने तो ये क्लीन शेव है ना इनके, वो उनको अच्छा मानते हैं जो पगड़ी बांधता है, दाढ़ी रखता है, उसको ये अच्छा मानते हैं अपने धर्म में। जो केस बढ़ा के जो इसको बाल को लंबे करके हाँ रखता बाल बाल बढ़ा,
बाल वाल लंबे करके और वो पगड़ी बांध के दाढ़ी रखते हैं लंबी लंबी, ओके और वो एक ओके छोटी कटार पहनते हैं। ओके। आ वो तो वो ये उसको, काम करवा रहा था लड़का, तो अच्छा अब वो कहते हैं कि वो है इनके पास, तो उसको ऐसे करेंगे कि अभी पहले कह रहे थे पाकिस्तान भाग गया वहां चला जाएगा, अब कह रहे हैं उत्तराखंड के कहाँ चला गया नेपाल भाग जाएगा, तो वहां शायद उनके पास है, वहां ले गए होंगे नेपाल में पकड़ पकड़ के उसका। ये कहते हैं बाबा जी की उसकी वो दाढ़ी वाड़ी काट देंगे, यार, ये और तो मार दिया तो वो क्या, मार दिया तो क्या वो उठ के बताएगा मरा हुआ कि ये पुलिस ने करा है किसने करा वो तो फिर जो उसको जो उसकी स्टोरी जो अखबार वाले छापेंगे लोगों ने, तो वो ही माननी है, है। यानी उसका वो, हाँ वो चरित्र हनन करेंगे ना, चरित्र हनन हो जाएगा उसका। ये यार तो ये तो लोगों को कह गलत रहा हो रहा था है यार। कि आप बाल लंबे करो दाढ़ी बढ़ाओ और ये वो कटार पहनो, और ये खुद ही ऐसे करके फरार होने लगा था। यार ये तो गलत हो रहा है। ये सरदार अच्छे बंदे हैं, ये मतलब इनको अरे इनके बहुत साथ, अच्छे आदमी है, अरे बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। आप तो दिल्ली में रहते हो, आपको पता है ना सारा इन कमाओ कितने हाँ हैं वो दिल्ली में गुरुद्वारे आप वगैरह, देखो बहुत अच्छे यार लोग। कोरोना टाइम इन्होंने इतने लंगर लगाए, और उसके आप देखो कोई भी कोई दिक्कत होती है दिल्ली में, कोई आंदोलन होता है, वो किसान आंदोलन में हमारी ड्यूटी लगी तब हमने देखा यार ये इतने शांति शांति आपने वाले देखा था लोग हैं वो यार। जो इनका किसानों वाला चला था, तो आप तो वहीं थे। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी तो वो ड्यूटी थी मेन उस पे और गाजीपुर हाँ बॉर्डर मैं पे। बता रहा हूँ ना आपको, हमारे को जैसे हम आए तो वो उसका गांव है कोई, ये जो बोलते हो लड़का आपका अमृतपाल, तो अच्छा उसके गांव में लगा दिया ना वो एरिया कॉर्डन ऑफ करने के लिए वो कि अमृतसर, काट दीजिए एरिया। अमृतसर से है अब ना कोई वो, जलूल जलूलपुर खाडा कैसे करके है, कोई खेडा है कि जलूलपुर है या ऐसा कोई गांव है यार उसका। ओके। तो हमारा खाना 2 दिन वहीं गांव से आता रहा, गुरुद्वारे से चाय दिया। आप बताओ यार ये कैसे बुरा इनके गए इनको, इनके लोग ही, जो पंजाब पुलिस में तो सारे सरदार ही किसी ने हैं, एक पत्थर तक नहीं मारा, किसी जो पंजाब पुलिस में ने तो एक बार सारे वो सरदार साला ही हैं, वो कोई सोचते साला हैं। हमारे साला हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी सरपंच को उठा लीजिएगा ना, तो साला लाठी चार्ज और फायरिंग करना पड़ जाएगा, वो और इन्होंने होते किसी हैं। को आदमी को पत्थर तक नहीं मारा। हाँ गुस्सा है लोगों में, बहुत गुस्सा है। यार यो पंजाब पुलिस वाले भी ये भी सरदार ही हैं, ये भी पगड़ी पहनने वाली हैं, ये अपने लोगों की बात नहीं सुनते यार। अब अपने ये देखो जो बिहार और हाँ झारखंड वो में तो कोई है, ऐसा कुछ करे तो सारी कम्युनिटी जो है बिरादरी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ये पता नहीं कैसे किस मिट्टी के बने अपने बंदे के पास। चलो भाई इनकी मर्जी है, इनका अपने वो है, आदमी अब तो की क्या भी कर नहीं सकते हैं। सपोर्ट कर रहे ना पंजाब पुलिस। हाँ कुछ हैं लड़के पुलिस में भी हैं, वो कह रहे हैं भी गलत है सारा कुछ, पर कहाँ चलती है सरकार के सामने थोड़े ना चलेगा उनका। यार एक मैंने एक न्यूज अब और पढ़ी थी, एक मैंने अब न्यूज और हम पढ़ी बोल थी लें, जी, मान मान लीजिए कि हम बोल लें भी नहीं गलत हो रहा है, तो हमारी कौन सुनेगा। साली बिल्कुल बिल्कुल, अपने तो वो ड्यूटी बजानी है झारखंड में यार, बेतुती वाली बाबा भैंस के आगे बीन बजाइएगा क्या। अपनी तो ड्यूटी बजानी है, अपने तो ड्यूटी से मना करेंगे तो अपने पर को थोड़ा अफसोस होता है ना दिल में भी, गलत का साथ दे रहे हैं हम भी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब मैंने यार एक न्यूज और पढ़ी थी, वो एक्चुअली क्या है अभी जो NIA का भी वो चीफ लगाया था, वो पंजाब का एक्स DGP था दिनकर गुप्ता। हाँ तो वो सब साले ऐसे ही है नो ना, सर वगैरह लोग। वो उसका और है, आप गूगल पे करोगे ना सर्च, वो दिनकर गुप्ता नशे का उसके तस्करों में उसका नाम आया था, वो पंजाब में विधानसभा में अरे हम भी तो ऐसे कह यार भी, हमने पूछा भी कतना का आदमी है उसके साथ, वो हाँ बोले कोई हथियार बंद तो कोई 12 या 15 आदमी होगा, कोई लाइसेंस हथियार है, हो सकता है कोई एक आधा दूसरा भी हो चल जाता है इतने में, अरे इतना नहीं। हथियार है तो एक आधा वो भी चल जाएगा यार, तो तो यार वो तो देख अब सीधू, उसको नहीं नहीं अब वो सीधू वहीं से मूसे, उठा लेते। अभी वो सीधू मूसे वाले के पास इतने आदमी थे तो उसको मार गए, तो वो तो जब वहां पे क्राइम तो है ना, तो वो अभी इतने अपराधियों में तो फिर बंदे को अपना तो सेफ्टी रखनी पड़ती है ना, वो लाइसेंस रखे तो उसमें गलत क्या है। अरे वो लड़का है एक पंजाब पुलिस का है लड़का एक, हमने उसे पूछा यार इसको यहीं उठा लेते आप गांव से ही, वो हाँ जो उसका गांव है जलूलपुर खाड़ा ओके के क्या है वो, तो वहीं से उठा लेते ना आप 100 200 आदमी जाके। पर अच्छा सालों ने माहौल बना दिया ना, माहौल बनाना था यार इसको कैसे। वो ही है एक्चुअली क्या है ना, वो सारा वोटों का हिसाब किताब है, वो देखते हैं। चलो
करेगा वो, भरेगा क्या कर एक को सकता है। हमको दबा दिया, दूसरी को